हाय फ्रेंड्स, चलिए पिक्चर देख के मुंह में पानी तो आ ही गया होगा। आज हम बनाएंगे मैंगो आइसक्रीम, जो सभी की फेवरेट होती है, स्पेशली बच्चों की। और मैंगो की सीजन है तो मैंगो आइसक्रीम तो बनाना बनता है ना। तो चलिए हम बनाते हैं बहुत ही इजी तरीके से। यहाँ पे हम अल्फांसो मैंगो ले लेंगे। यहाँ पे मैंने टोटली 4 मैंगो लिए हैं, जिसमें से मैंने 2 मैंगो को चॉप करके इसकी प्यूरी बना ली है। 1 मैंगो मैंने फाइनली चॉप किया है, उसको मैं ऐसे ही पीसेस ऐड करूँगी। और 1 मैंगो का मैंने यहाँ पे प्यूरी निकाला है, जो हम ऊपर से इस ऐसे ही डालेंगे, ताकि कहीं पे खट्टा मीठा ऐसा फ्लेवर आए। तो इस तरीके से 2 मैंगो को मैंने चॉप करके एक बोल में ले लिया है। फ्रेंड्स, आप इसके अंदर 1 मैंगो थोड़ा सा हल्का कच्चा है वो ऐड करें, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है आइसक्रीम का। खट्टी मीठी थोड़ी सी अच्छी लगती है आइसक्रीम। तो इस तरीके से मैंने चॉप कर दिए हैं मैंगोज़ को। 2 मैंगो चॉप किए हैं, इनकी तो मैं प्यूरी निकाल दूँगी। और ये इंग्रेडिएंट्स है, इंग्रेडिएंट्स के लिए आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक करें। थोड़ी मलाई ली है, थोड़ी अमूल की फ्रेश क्रीम है, मिल्क पाउडर है, मिल्क है, पाउडर शुगर है, और मैंगो चॉप किए हुए हैं। थोड़े से मैंगो मैंने जो फाइनली चॉप किए वो है, और प्यूरी है। अब हम जो चॉप किए हुए मैंगोज हैं 2, उसकी प्यूरी बना लेंगे पहले। इसकी हमें फाइन प्यूरी बनानी है, क्योंकि हमें इसे क्रीम में ऐड करना है। तो इस तरीके से आप ब्लेंडर में इसे फाइनली एकदम प्यूरी बना ले अच्छे से। इसको बिल्कुल टाइम नहीं लगता है फ्रेंड्स। ये रेसिपी बहुत ही इजी, बहुत ही अच्छी है, और बिल्कुल मार्केट के जैसी आइसक्रीम बनती है। तो अब प्यूरी को हम एक बोल में ले लेंगे, और उसी जार में हम दूध डालेंगे, पाउडर शुगर डाल देंगे, और मिल्क पाउडर जो होता है वो डाल देंगे। मिल्क पाउडर यहाँ मैंने नेस्ले का यूज़ किया है, जिसकी आइसक्रीम बहुत ही अच्छी बनती है। कभी भी आइसक्रीम में आप थोड़ा सा मिल्क पाउडर हमेशा यूज़ करें, उससे उसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। अब इसको भी हम फाइनली मिक्स कर देंगे। इससे क्या होगा, मिल्क पाउडर अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। आप इसे हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं स्पून से। तो यहाँ पे मैंने मिक्सर में ही इसे मिक्स करके एक बोल के अंदर ले लिया है। आप विस्क से भी मिक्स कर सकते हैं, तो मिल्क पाउडर और शुगर वगैरह इजीली मिक्स हो जाता है। अब हमने जो पूरी प्यूरी बनाई थी, वो प्यूरी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं मिल्क पाउडर वाला जो पेस्ट है वो कितना गाढ़ा हो गया। यहाँ मैंने थोड़ी मलाई ले ली है, मलाई ऑप्शनल है, मेरे पास थी इसलिए मैं डाल रही हूँ। और यहाँ पे एक छोटा पैक मैंने अमूल का फ्रेश क्रीम ले लिया है, इसे भी हम ऐड कर लेंगे। ये 200 ग्राम है, यानी कि 4 मैंगो मीडियम साइज़ के हैं। उसके अंदर मैंने 200 ग्राम्स का फ्रेश क्रीम यूज़ किया है। और घर की मलाई हो अगर आपके पास, तो आप इसे क्वांटिटी कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसे हमें खाली मिक्स करना है, विस्क नहीं करना है। मैंने इसे विस्कर से इसके लिए किया कि ये पूरा एक जैसा बन जाएगा, और मेरे पास जो मलाई थी वो इसके अंदर अच्छे से ब्लेंड हो जाएगी। अब वो जो मिक्सचर है मलाई और फ्रेश क्रीम वाला, वो हम प्यूरी वाले मिक्सचर में ऐड कर देंगे, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे दोनों को। और इसके अंदर फाइनली चॉप किए हुए मैंगोज डाल देंगे। फ्रेंड्स, ये मैंगोज जो है चॉप करके डालना ऑप्शनल है, पर जब हम आइसक्रीम खाते हैं तो ये मुंह में आते तो बहुत अच्छे लगते हैं। अब इसे हम एक एयरटाइट कंटेनर में ले लेंगे मिक्सचर को, और इसे 8 से 9 घंटे तक हमें सेट करना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे ओवरनाइट सेट कर दें। मैंने यहाँ ओवरनाइट सेट किया था। और ये जो मैंगो की प्यूरी है, इस तरीके से मैं थोड़ी ऊपर ऊपर डाल दूँगी, जिससे कि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। जब हम ये क्रीमी आइसक्रीम खाते हैं तो उसके साथ इसका टेस्ट बहुत मस्त लगता है। इसे अभी थोड़ा सा हम फैला देंगे इस तरीके से टूथपिक या फिर स्क्रूअर से, और इसे बंद करके मैं फ्रीज़र में रख दूंगी ओवरनाइट के लिए। अब ओवरनाइट के बाद हम देखेंगे ये कैसी सेट हुई है आइसक्रीम। तो इस तरीके से अब देखिए, डब्बा मैं खोल दूंगी, एयरटाइट डब्बा होना चाहिए। स्कूपर को मैंने हल्के गर्म पानी में डिप किया है, और इसे अभी इस तरीके से स्कूप कर दूंगी। वाओ, ये देखिए आइसक्रीम का टेक्स्चर। इसमें बिल्कुल भी आइस के क्रिस्टल्स नहीं है। आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें।
फ्रेंड्स आप मेरी दूसरी आइसक्रीम की रेसिपीज़ भी ट्राई कीजिएगा। कस्टर्ड एप्पल आइसक्रीम है, कोकोनट आइसक्रीम है और तिलगुड़ की आइसक्रीम है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर टैप करें जिससे कि मेरे न्यू नेक्स्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलती हूँ कुछ न्यू रेसिपीज़ के साथ। थैंक यू।